तो ना तो अब पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही निष्ठावान कार्यकर्ता का दमन। कुछ ऐसा ही संदेश दिया है बीजेपी आला कमान ने राजस्थान में नए सीएम की घोषणा के साथ। राजस्थान में बीजेपी की सियासी विसात का नया चेहरा अब भजनलाल शर्मा होंगे। उनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर दी गई है। जैसा कि एमपी के नए सीएम की घोषणा के बाद संभावना जताई जा रही थी कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही विधायक दल की बैठक में मीडिया को यह सूचना मिली तो सभी अवाक रह गए। देश और प्रदेश का मीडिया दूर दूर तक भजनलाल शर्मा के नाम की उम्मीद नहीं जता रहा था। मीडिया राजस्थान में कद पद और अनुभव के आधार पर जो कयास लगाकर मुख्यमंत्री के 6-7 दावेदार मान रहा था, वे सभी के सभी सीएम की रेस से अचानक बाहर हो गए। भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दी गई, उनकी बॉडी लैंग्वेज में हताशा के भाव साफ देखने को मिल रहे थे। क्योंकि भले ही आप केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी की बात करें या पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक बनने का तमगा पकड़ा दें, लेकिन सूबे के मुखिया के आगे सब गौण है। हालांकि विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे के जरिए ही रखवाया गया था, जिस पर बाद में विधायक दल ने मुहर लगा दी। हैरान करने वाली बात यह है कि भजनलाल शर्मा पहली बार ही विधायक चुने गए हैं और उन्हें राजस्थान के सीएम का महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके राजनीतिक अनुभव की बात करें तो विधायक बनने से पहले 3 बार राजस्थान भाजपा में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे हैं, 4 बार भाजपा के जिलाध्यक्ष और अखिल भारतीय परिषद के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। यूं तो कहा जा रहा है भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे के सिपह सालार रहे हैं, लेकिन ये सब अब कहने की बातें हैं, क्योंकि दिल्ली की सियासत में भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने की इबारत पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से भरतपुर का होने के बावजूद भी भाजपा की सबसे सेफ सीट यानी सांगानेर विधानसभा से उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया था, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब बात करते हैं आखिरकार भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों चुना गया। सबसे पहले बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने जिताऊ फार्मूले को यानी हिंदुत्व को फिर से साधना, ताकि आम चुनावों में उसका फायदा लिया जा सके, और आरएसएस के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके भजनलाल शर्मा इसके लिए परफेक्ट माने जा रहे थे। इसके अलावा बीजेपी कई मंचों से यह कहती रही है कि वे युवा और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही अवसर देंगे। भजनलाल शर्मा की पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर अच्छी छवि है। भजनलाल तमाम गुटबाजियों से भी दूर रहे हैं। उनको सीएम बनाना कहीं ना कहीं पार्टी में लंबे अरसे से चल रही गुटबाजी को दूर करने से प्रेरित भी बताया जा रहा है। आला कमान ने लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिहाज से भी भजनलाल शर्मा पर दाव खेला है। भजनलाल शर्मा के नाम पर किसी ने आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई, पहली बार में ही उनके नाम पर सहमति बन गई। तो ये सभी वजह थी जिनके चलते भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया है। हालांकि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत की परिपाटी को बदला है। अब किसी निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री पद का सपना देखना बड़ी बात नहीं है। आखिरी कतार में खड़ा कार्यकर्ता भी अपने परफॉर्मेंस के दम पर प्रदेश के मुखिया के तौर पर सम्मान पा सकता है, यह बात साबित हो गई। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के बगावती तेवरों को आला कमान ने पहले ही सुलझा लिया था, लेकिन बावजूद इसके वसुंधरा राजे विधायक दल की बैठक तक तो सहज नजर आई और बाद में असहज। इससे पहले राजस्थान के सीएम की घोषणा तो औपचारिकता भर ही थी, क्योंकि पर्यवेक्षकों का दल भले ही बाद में राजस्थान में पहुंचा हो, लेकिन राजनाथ सिंह 3 दिन पहले ही बयान दे चुके थे कि वे केंद्र की प्रतिनिधि के तौर पर यहां आएंगे, यानी जो दिल्ली की सियासत ने निर्धारित किया था उसी फैसले को सुनाने वे आज जयपुर पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी आलाकमान ने पूरी सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया और सीएम भजनलाल के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी चुने गए। दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम चुना गया है, यानी ब्राह्मण के साथ ही राजपूत और दलितों को 2024 के लोकसभा चुनाव में साधने की पूरी तैयारी कर ली है। खैर, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।